भारत नेपाल सीमा पर निर्माणाधीन मदरसों और मस्जिदों के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा ने कहा, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बन रहे मदरसों और मस्जिदों पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। मदरसों के आय के स्रोतों का पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियां अलर्ट कर दी गई हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त हुई है कि बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियों के साथ ढेर सारे मदरसे अस्तित्व में आए हैं, जिस पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खुली सीमा होने की वजह से अधिक संवेदनशील है, क्योंकि यहां से प्रतिदिन लाखों लोग का आना जाना लगा रहता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा ने कहा, सर मदरसे भारत और नेपाल सीमा बनने क्या कर रहे हैं? नेपाल भारत सीमा एक संवेदनशील सीमा है। गोरखपुर जोन के काफ़ी जनपद, 5 जनपद की सीमा नेपाल से है। खुली बॉर्डर होने के नाते लोगों का आवागमन लगा रहता है और सीमा के इर्द गिर्द कुछ मदरसे नए बनने की या मतलब अप्रत्याशित रूप से बृहद रूप में बनने की चीज़ें संज्ञान में आई है। तो विगत 2 वर्ष से हम इसके सत्यापन करा रहे हैं कि इनके आय के स्रोत कौन क्या है, इसका संचालन कौन करता है, इसका मूल मकसद क्या है। ये अर्थात कहने का अर्थ ये है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इस बात का विशेष देखभाल किया जा रहा है।